बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट का जो आपका री एग्ज़ाम है, जैसा कि आप सभी जानते हैं री एग्ज़ाम 7 अगस्त से आपका शुरू हो रहा है और 7 अगस्त का जो डेट है काफ़ी नियरेस्ट है, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस सेट के इस क्लास में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो रोशन आनंद सर का पैड बैच का प्रैक्टिस सेट है, अगर आप इस टेस्ट को ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो जो सर का एप्लीकेशन है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, आप लोग इसे डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर से लॉगिन कीजिए और वहां से यह ऑनलाइन मोड में आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हो जाएगा। और आप अगर पटना में रहते हैं तो ऑफलाइन में भी जा कर के आप इस टेस्ट को दे सकते हैं, ठीक है। इस टेस्ट में बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए सिलेक्टेड प्रश्न डाला गया है जो सीधा आपके बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आइए ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर आप इस पर चाहते हैं बिहार पुलिस में रिजल्ट लेना और सिलेक्टेड प्रश्न का प्रैक्टिस सेट जिसमें आपके जीके और जीएस के प्रश्न डाले गए हैं दिया गया है सॉल्व करना, जिससे आपका फाइनल रिजल्ट इस बार बिहार पुलिस में हो, ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके डेली प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए और सारे प्रश्न को याद कीजिए, ठीक है। तो आइए हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं और पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जैसा कि बिहार पुलिस परीक्षा के लिए जो नया सिलेबस आपका जारी किया गया है, यानी कि पुराने सिलेबस में कुछ बदलाव किया गया है, तो आज के इस जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट में हम लोग बिहार पुलिस के लिए 9th और 10th क्लास पे आधारित और आपके बिहार पुलिस में पूछे गए प्रीवियस ईयर प्रश्नों पे आधारित इस जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट में हम लोग 100 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न बिल्कुल आपसे पूछा गया है, जैसा कि आप क्लास 10th का जब इतिहास पढ़िएगा तो उसमें चैप्टर नंबर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद, पहला चैप्टर से ही आपको इस प्रैक्टिस सेट में पहला प्रश्न देखने को मिल जाएगा। प्रश्न पूछा है जाल वेरिन एक संस्था थी, तो ध्यान रखिएगा जाल वेरिन जो संस्था थी 1832 ईस्वी में प्रसा ने इसे बनाया था, ठीक है। किसने बनाया था? 1832 में प्रसा ने बनाया था और यह एक व्यापारियों की संस्था थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। अगला देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न भी आपके क्लास 10th से ही पूछा गया है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद पहला चैप्टर से ही आपको यह भी प्रश्न है क्लास 10th इतिहास का और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, जो लोग भी बता रहे हैं यूनान, बिल्कुल आपके ऑप्शन बी हो जाएगा 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। अगला प्रश्न है 3 नंबर और यह प्रश्न आपके क्लास 9th इतिहास का चैप्टर नंबर 1 भौगोलिक खोज से पूछा गया, ठीक है। देखिए, कुस्तुतुनिया का पतन किस वर्ष की गई? याद कीजिए, कुस्तुतुनिया मार्ग के माध्यम से ही यूरोप वाले भारत के साथ व्यापार कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जब इसका पतन यानी कि कुस्तुतुनिया पर तुर्की ने अधिकार कर लिया तो मार्ग को क्या कर दिया? बंद कर दिया, यानी कि अत्यधिक कर लाद दिया व्यापारियों के ऊपर, ठीक है। तो कह रहा है कुस्तुतुनिया का पतन किस वर्ष की गई, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1453 ईस्वी, ठीक है। तो 3 का सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है 4 नंबर, निम्नलिखित में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? किस समिति ने किया है? तो ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, अलग समिति। देखिए, थोड़ा सा फास्ट हम इसलिए सॉल्यूशन करवा रहे हैं अधिकतर आंसर को बता करके, क्योंकि अब कम समय है आपके पास और 7 अगस्त का जिनका भी एग्जाम है उनके पास तो और भी कम समय है, ठीक है। तो किसी का भी समय ज्यादा व्यर्थ ना हो इसलिए आप लोग प्रश्नों और आंसर को बिल्कुल अपने दिमाग में बैठाते चलिए क्लास में, ठीक है। आगे देखिए, 5वां नंबर प्रश्न पूछा गया है, स्वतंत्रता का 9 यानी कि 9 ग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? तो लाहौर अधिवेशन आप याद कीजिए, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन आप सभी लोग याद कीजिए, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और यह जो प्रथम तिरंगा फहरा था, ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी, 31 दिसंबर 1919 को, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। आगे देखिए, 6वां नंबर प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? तो अगर बात किया जाए 6 के लिए सही जवाब, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानवाधिकार।
एमनेस्टी इंटरनेशनल जो संस्था है इसका मुख्यालय अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो लंदन आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 7 नंबर, किस रेशेदार फसल का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैले और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 भी आपके क्लास 10th के ज्योग्राफी से यह प्रश्न उठाया गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए सन आपके इस 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 8वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। तो सर्वप्रथम अगर वैवाहिक संबंध को देखा जाए तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को, यानी कि कछवाहा ने, किसने किया था, कछवाहा, ऑप्शन सी आपके 8 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 9वां नंबर प्रश्न है, मनोरा का किला कहाँ स्थित है। मनोरा का किला अगर देखा जाए तो याद कीजिएगा आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु राज्य में यह मनोरा का किला स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 10 नंबर आप सभी का, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्न में से कौन सा सही क्रम दिया गया है। देखिए मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्वी क्रम आपसे पूछ रहा है, यानी कि ऐसे, यानी कि पश्चिम से आपका पूर्वी पूछ रहा है, ठीक है। तो पश्चिम से पूर्वी आप लोग ध्यान रखिएगा, हमेशा आपके अगर एग्जाम में ऐसे प्रश्न आए, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, उसके बाद छोटा नागपुर जिसे रूढ़ प्रदेश के भी नाम से जाना जाता है, और यह झारखंड में है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपके 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 11वां नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में ग्रीवा यानी कि कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है। तो यह प्रश्न आपके बिहार पुलिस में पूछा भी गया है, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर प्रश्नों को पढ़े होंगे तो याद कीजिए ऑप्शन नंबर बी 7 होता है, ठीक है, यानी कि 11 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर, हाथी उत्सव मुख्यतः भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन आप सभी लोग देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने हैं। तो अगर ऑप्शन की मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी को, राजस्थान, और राजस्थान के जयपुर में मनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। चलिए आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न है, भारत के अब तक के सर्वाधिक लिंगानुपात निम्नलिखित में से किस जनगणना में दर्ज की गई है। तो सर्वाधिक पूछा है तो ध्यान रखिएगा 1901 आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में आपके 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया, ठीक है। उस समय जो भारत का लिंगानुपात था ध्यान रखिएगा, यानी कि 972 था, ठीक है, 972। वर्तमान में कितना है तो 943 है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 14 नंबर, हिमालय की पूर्वांचल श्रृंखला किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। तो पूर्वांचल आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा औषधि चट्टानों से निर्मित है, ऑप्शन नंबर ए आपके 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष कर्नाटक में अपीको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो अपीको आंदोलन कहाँ हुआ है, तो कर्नाटक में हुआ है, और ध्यान रखिएगा 1983 इस प्रश्न का सही जवाब होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 16 नंबर आपका, निम्नलिखित में से पौधों का कौन सा समूह नग्नबीजी है। नग्नबीजी कौन सा समूह है, यह प्रश्न आपके बिहार पुलिस में पूछा भी गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जिम्नोस्पर्म, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपके 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, के एम पाणिकर ने किसके लिए कहा कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे। तो यह जो कहा था के एम पाणिकर ने, ध्यान रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले के लिए कहा था, ऑप्शन नंबर डी आपके 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न है, न्यूमोकोनियोसिस उन श्रमिकों को प्रभावित करता है जो मुख्य रूप से निम्नलिखित में काम करते हैं। देखिए यह बीमारी जो प्रभावित करता है ना, ध्यान रखिएगा, यानी कि 18 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर आपका यानी कि डी हो जाएगा, ठीक है, डी को ध्यान रखिएगा, कोयला खनन उद्योग में जो व्यक्ति काम करते हैं उन्हें प्रभावित करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपके 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होते हैं उन्हें डैश के तौर पर जाना जाता है। तो जिनमें संवहन तंत्र नहीं होता है ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 19 नंबर प्रश्न के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा, ब्रायोफाइटा समूह में रखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपके 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या है आपका 20 नंबर। तीस्ता नदी जल बंटवारा विवाद निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच है, किन दो देशों के बीच है, तीस्ता पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर, भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति जो घोषणा करते हैं संघ मंत्रिमंडल, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपके 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न पूछा गया है, भारत सरकार के द्वारा महिला एवं विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया है, देखिए स्वतंत्र पूछा है तो ऑप्शन डी को ध्यान रखिएगा 2006 में, लेकिन जब स्वतंत्र हटा दे और पूछे कि महिला एवं विकास, महिला एवं बाल विकास के लिए मंत्रालय कब स्थापित किया गया, तो 1985 आप लोग ध्यान रखिएगा, लेकिन स्वतंत्र पूछा है तो 2006 में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी आपके 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, देख लीजिए सूची एक को सूची दो से मिलाना है, एक तरफ दर्रा दिया गया है सूची वन में और सूची दो में राज्य दिए गए हैं, ठीक है। देखिए चारों ऑप्शन यानी कि दोनों सूची के माध्यम से आपके सामने दिख रहा है, देखिए गोरान घाट दर्रा को देखा जाए तो ध्यान रखिएगा राजस्थान में, लीखा पानी दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, अखिल दर्रा लद्दाख में और माना नितिलेक लिपुलेक कहाँ है, उत्तराखंड में, यानी कि एक का मेल ए से सही है, दूसरा यानी कि बी का दो से, सी का तीन से और डी का चार से, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में आपके 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे, 24 नंबर प्रश्न पूछा गया है, लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है, तो लॉर्ड लिटन सशस्त्र अधिनियम से संबंधित है, स्ट्रेजी कमीशन से भी संबंधित है और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से भी संबंधित है, ठीक है। देखिए अगर बात किया जाए एचिनसन आयोग से, यह क्या थे, लॉर्ड लिटन संबंधित नहीं थे, यह एचिनसन आयोग जो बना था ध्यान रखिएगा यानी कि भारतीय सिविल सेवा से संबंधित यह आयोग था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपके 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर, किस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उनके शासन पर पूर्ण नियंत्रण यानी कि प्रदान किया गया, तो यहाँ पर अधिनियम पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को, यानी कि 1784 का पीटर्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन नंबर बी आपके 25 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 26 नंबर प्रश्न, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक के रूप में किसे जाने जाते हैं, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा जॉन मेकार्थी का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने करवाया था, बताइए आप सभी क्या यह कथन सही है या गलत है, तो अगर इस कथन का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल गलत है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने नहीं करवाया था, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने करवाया था, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, तो पहला कथन बिल्कुल गलत है। आगे देखिए नालंदा विश्वविद्यालय को 1199 में तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने नष्ट करवा यानी कि नष्ट कर आग लगवा दी थी, तो बिल्कुल सही है, ठीक है, तो दूसरा सही है, पहला गलत है, ऑप्शन बी में आपका दिया गया है आंसर केवल दो, ठीक है। आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित भौतिक राशियों में कौन सी एक अदिश राशि है, सॉरी अदिश राशि नहीं है, देखिए अदिश राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो उसे क्या कहेंगे, सदिश कहेंगे, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, विद्युत धारा क्या है, अदिश राशि है, घनत्व क्या है, अदिश राशि है, आयतन क्या है, तो ये भी अदिश राशि है, ठीक है। विद्युत तीव्रता की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा विद्युत तीव्रता आपका हो जाएगा यानी कि सदिश राशि, तो ऑप्शन डी आपके 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न है, किसका मिलान गलत है, यानी कि गलत किसका मिलान है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ग्रेवोमीटर से क्या मापा जाता है, गुरुत्वीय त्वरण का माप किया जाता है, ठीक है, रेडियोमीटर से विकिरण मापक यानी कि विपरण मापक यंत्र है, और ओडोमीटर जो होता है वाहन द्वारा तय की गई दूरी, आप लोग क्लास 9th का भौतिकी पढ़े होंगे उसमें आपको यह मिल जाएगा, ठीक है। बाकी बात किया जाए एस्फेरोमीटर का तो ध्यान रखिएगा शर्करा की सांद्रता नहीं नापा जाता है, यानी कि एस्फेरोमीटर से ध्यान रखिएगा आप सभी लोग यानी कि एस्फेरोमीटर से
घुमावदार सतह के वक्ता त्रिज्या का माप किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी का जो सही मेल नहीं दिया गया है, ध्यान रखिएगा 29 नंबर प्रश्न के लिए। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित सिद्धांत शास्त्रियों में से कौन इस कथन के समर्थक है, संस्कृति मूलतः नियमों का संग्रह है, यानी कि यह किनका कथन है आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो रेड क्लिफ ब्राउन का नाम ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा संस्कृति के भौतिक पक्षों को उजागर करती है। तो भौतिक पक्षों की अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा सभ्यता, ऑप्शन बी जो लोग भी बता रहे हैं बिल्कुल आपके 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 32 नंबर प्रश्न है, एक जाति या इसकी समष्टि यानी कि आबादी में कुल समस्त आनुवांशिक विविधता क्या कहलाती है। तो आनुवांशिक विविधता का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा यानी कि जीन पूल कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा आपसे बिल्कुल, ठीक है। ओकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, देखिए इस शब्द का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा अर्नेस्ट हैकल ने किया था, ऑप्शन डी में आपके 33 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर, देख लीजिए यहाँ पर, निम्न में से किस पर्यावरण के संघटक के अंतर्गत पादप मनुष्य समेत जंतु एवं सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया गया, बताइए किसके तहत किया गया है। तो ध्यान रखिएगा जो लोग भी ऑप्शन बी बता रहे हैं इस प्रश्न के लिए, जैव संघटक, बिल्कुल आपके ऑप्शन बी हो जाएगा 34 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। अगला प्रश्न है 35 नंबर, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों के वेतन भत्ते आदि का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। देखिए अगर बात किया जाए 35 नंबर प्रश्न के लिए तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है 36 नंबर, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों को सम्मिलित कीजिए, सूची एक में संविधान संशोधन दिया गया है और सूची दो में उससे संबंधित आपके विषय दिए गए हैं, ठीक है। तो 13वां संविधान संशोधन नागालैंड से संबंधित हो जाएगा, 18वां संविधान संशोधन राज्य को पुनर्परिभाषित किया गया था 18वें संविधान संशोधन के तहत, यानी कि बी का मेल 3 से हो जाएगा। वही अगर मैं बात करूं ध्यान रखिएगा यानी कि सी का, तो 39वां संशोधन जो था राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनावों को चुनौती नहीं दी जा सकती, सी का आपका हो जाएगा 4 से। 52वां संविधान संशोधन किससे, दल बदल अधिनियम से, ठीक है। तो आप लोग मिला लीजिए, जब आप ऑप्शन डी को देखिएगा तो ए का मेल 1 से हो जाएगा, बी का 3 से, सी का 4 से और डी का 2 से, ऑप्शन नंबर डी आपके 36 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 37 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है, प्राथमिक भाग आपसे पूछा गया है। तो प्राथमिक भाग आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर, अंतरजातीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार की जाती है। तो अगर पूरे वर्ष का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा 3, ऑप्शन नंबर सी आपके 38 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न है, मिलान करना है, एक तरफ राज्य दिया गया है एक तरफ विधान परिषद की सीट दिया गया, ठीक है। तो अगर बात किया जाए 39 नंबर प्रश्न का सही जवाब का, तो देखिए विधान परिषद, तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में इसके जो सीट है ध्यान रखिएगा 100 है, यानी कि ए का मेल आपका कितना से हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा 3 से हो जाएगा, ठीक है। ए का मेल कितना से होगा, 3 से होगा। वही अगर मैं बात करूँ तो कर्नाटक में कितने विधानसभा के सीट है, तो कर्नाटक की अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग यानी कि कर्नाटक में आपका ऑप्शन ए 75 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगर महाराष्ट्र की बात किया जाए तो महाराष्ट्र में आपका हो जाएगा 78 सीट, बिहार में आपका हो जाएगा 75 सीट यानी कि डी का आपका हो जाएगा 5 से, बाकी आपका बच गया आंध्र प्रदेश, तो इसका मेल हो जाएगा ई का 2 से, 58 सीट है विधान परिषद के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को देखिए बिल्कुल आपका मिलान 39 नंबर प्रश्न के लिए सही दिया गया, ठीक है। आगे देखिए 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, असत्य का मतलब होता है गलत कौन सा है, ठीक है। तो अगर गलत पहचानने के लिए दिया है तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन सी जो लोग भी बता रहे हैं, संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने पेंच की संख्या कम से कम 7 होनी चाहिए, यह कथन बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी आपके 40 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न है 41 नंबर, मंत्री परिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो मंत्री परिषद में जैसे आप लोग राज्य मंत्री देखे होंगे, कैबिनेट मंत्री देखे होंगे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर तीन को ध्यान रख, सी को ध्यान रखिएगा, तीन स्तर के मंत्री होते हैं, ठीक है। 42 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध नर्तक टी बला सर्वसती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रतिपादक थी, किस नृत्य के थी? तो ध्यान रखिएगा भरतनाट्यम। कहाँ का है जल्दी से आप सभी कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है? संतूर वाद्य यंत्र से अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा सॉरी नहीं है, कौन संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है, नहीं पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, यानी कि उस्ताद अहमद अली खान है, तरुण भट्टाचार्य भी है, पंडित शिव कुमार शर्मा भी है, बाकी भजन सुपोरी नहीं है इससे संबंधित। ऑप्शन नंबर ही आपके 43 का सही जवाब होगा। 44 नंबर प्रश्न है, संस्कृत पांडुलिपियाँ निम्नलिखित में से मुख्यतः किस क्षेत्र से मिलती है? तो देखिए दक्षिण भारत में मिलती है, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा 44 नंबर प्रश्न के लिए, ठीक है। 45 नंबर प्रश्न है, ऋग वैदिक काल में आर्यनी किसका देवता है? आर्यनी जो है ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर सी को, वन के देवता को आर्यनी कहा जाता था, ठीक है। चलिए 46 नंबर प्रश्न है, चंड प्रघोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो देखिए यह प्रश्न काफ़ी नया आपको लगेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसे प्रश्न अगर आएगा आपके एग्जाम में तो आपके अलावा कोई नहीं कर सकता है, ध्यान रखिएगा अवंती के राजा थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपके 46 का सही जवाब होगा। 47 नंबर प्रश्न है, पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारी के स्थान आपसे पूछा गया है, कौन सा व्यापारी के स्थान था? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि तामलुक थे, क्या थे? तामलुक। ऑप्शन नंबर डी आपके 47 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 48 नंबर प्रश्न है, दिल्ली संतलत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? तो सबसे बड़ा विस्तार अगर आप देखिएगा तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग 48 के लिए ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके 48 का सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ के महाराणा थे और उन्होंने संगीत पर संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की थी? किसने किया था आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा महाराणा कुंभा ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपके 49 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए, पढ़िए आप लोग, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की? तो आलमगीर द्वितीय की उपाधि ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि अजमुद्दीन ने धारण किया था। ऑप्शन नंबर ए में आपके 50 का सही जवाब दिया गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो बात किया जाए सही उत्तर का, तो महाराणा रणजीत सिंह करोड़ सिंधिया माई मिसल से यानी कि ताल्लुक रखते थे, तो ध्यान रखिएगा या माई मिसल से ताल्लुक नहीं रखते थे, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, महाराणा रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे, न कि माई मिसल थे। तो पहला कथन बिल्कुल गलत दिया गया है, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा कथन देखिए, महाराणा रणजीत सिंह की सेना में जीन फ्रांकोइस अलार्ड एवं जीन वालिस वेंचुरा द नेपोलियन जर्नल के पद पर थे। देखिए दूसरा कथन सही दिया गया है, ऑप्शन बी आपके 51 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 52 नंबर प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया था? याद रखिएगा आप सभी लोग, 1668 ईस्वी में सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी सूरत ने खोला था, ठीक है। चलिए आगे देखिए 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था? तो वाडियार राजवंश का शासक याद कीजिए ऑप्शन नंबर बी को आप लोग, यानी कि 53 का सही जवाब, यानी कि मैसूर, ठीक है। चलिए आगे देखिए 54 नंबर प्रश्न है, जनरल डायर की कमान के दौरान भारत में कौन सी कानून लागू किया गया था? तो भारत में जो लागू किया गया था कानून, याद रखिएगा आप लोग, यानी कि मार्शल लॉ को लागू किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपके 54 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 55 नंबर, रॉयल
टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे, ध्यान रखिएगा आप लोग, बेंजामिन डिजराइली थे। ऑप्शन नंबर डी आपके 55 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 56 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो देखिए, रॉलेट सत्याग्रह की अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा यानी कि 56 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन डी 1919 में शुरू किया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 57 नंबर प्रश्न है, हिंद महासागर की औसत लवणता कितनी है? तो औसत लवणता की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। परसेंटेज में आपको दिया गया है चारों ऑप्शन, तो 57 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 35%, ठीक है। अगला प्रश्न है 58 नंबर, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार निम्न में से किस स्थान पर आता है? ऊंचा पूछा गया है, फंडी की खाड़ी में आता है और ध्यान रखिएगा यह कनाडा में है। कहां पर है? कनाडा में है। ऑप्शन नंबर सी आपके 58 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 59 नंबर प्रश्न है, पार्कलैंड घास का मैदान स्थित है? तो पार्कलैंड जो घास का मैदान है, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 59 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला कथन है, भारत में राज्य सरकारों को गैरो कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है। तो देखिए, नहीं वाला जो ये शब्द है ना, बिल्कुल गलत है। राज्य सरकार को अधिकार है होगा, ठीक है। तो पहला कथन आपका गलत है, आंध्र प्रदेश और झारखंड में सोने की खदानें नहीं है। दूसरा कथन में नहीं दिया है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ सोने की खदानें हैं। ऑप्शन नंबर यानी कि जो आपका कथन दो है, यह भी क्या है, गलत है, ठीक है। तीसरा है, राजस्थान में लौह अयस्क की खदानें हैं, तो यह बिल्कुल सही है। वास्तव में राजस्थान में लोहे की क्या है, खदानें हैं, ठीक है। प्रश्न पूछा है, उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, केवल तीसरा कथन सही है, ऑप्शन डी आपके 60 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है? तो अधिकांश विदेशी व्यापारों को अगर देखा जाए तो याद रखिएगा कि समुद्री और हवाई मार्गों के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर डी आपके 61 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में पूछा गया प्रश्न, सरहुल निम्नलिखित में से किस राज्य की जनजाति आबादी का मुख्य पर्व है? तो सरहुल की अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 62 नंबर प्रश्न के लिए झारखंड, झारखंड ऑप्शन सी में दिया गया है, बिल्कुल आपके 62 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। 63 नंबर प्रश्न भी आपके बिहार पुलिस में पूछा गया है, CPU की गति को किस में मापा जा सकता है? तो CPU की गति को आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 63 के लिए बी, गीगाहर्ट्ज में मापा जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपके 63 का सही जवाब होगा। 64 नंबर प्रश्न है, पहली बारकोड प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो पहली बारकोड प्रणाली को अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा 64 नंबर प्रश्न के लिए यानी कि नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपके 64 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, पहला ट्रांसजेनिक उत्पादित पौधा कौन था? तो पहला जो पौधा था, याद रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि तंबाकू था। ऑप्शन नंबर सी आपके 65 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 66 नंबर प्रश्न है, बार्स यानी कि BARC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप अगर आपसे पूछा जाए आपके फाइनल एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ऑप्शन नंबर डी आपके 66 का सही जवाब है। कमेंट में आप सभी लोग बताइए कि यह किस राज्य में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे आप लोग देखिए 67 नंबर प्रश्न को, ऑपरेशन फल्ड को सामान्यतः और किस नाम से जाना जाता है? तो श्वेत क्रांति जो 1970 में आया था और इसके जनक भारत में वर्गीज कुरियन को माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा 67 नंबर प्रश्न के लिए, ठीक है। आगे देखिए 68 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है? तापमान जो है लिंग का निर्धारण करता है, तो सरीसृप वर्ग में आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपके 68 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, दूध में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? दूध में आपसे पूछा गया है तो विटामिन सी तो पाया नहीं जाएगा, तो विटामिन सी वाले ऑप्शन को आप लोग ऐसे ही काट दीजिए। तो विटामिन ए बी और डी पाया जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर यानी कि डी में आपके 69 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया, ठीक है। आगे देखिए, कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडित की क्रिया कहाँ पर होती है? तो यह विखंडन की जो क्रिया होता है, याद रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर ए कोशिका द्रव्य में होता है, ठीक है। 70 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है।
और यह जो प्रश्न है दासवीं जो है ना आपका दासवा ध्यान रखिएगा, दासवीं के यानी कि पोषण चैप्टर में आपको यह मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 71 नंबर, निम्न में से किस यौगिक में केवल एक कार्बन एकल आबंध होता है, किस यौगिक में होता है। तो देखिए यौगिक पूछा गया है, तो 71 का सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और यह एल्केन श्रेणी का सदस्य है और एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2 होता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 72 नंबर प्रश्न है, हैलोजन के बाह्यतम कोष में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हैलोजन के बाह्यतम कोष में ध्यान रखिएगा 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन डी आपके 72 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 73 नंबर प्रश्न है, डैश तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है, तो ब्रोमीन हो जाएगा, जबकि धातु पूछता तो आपका पारा यानी कि मरकरी हो जाता, ठीक है, यानी कि अधातु पूछा है, तो 73 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 74 नंबर प्रश्न है, अवक्षेपण यानी कि प्रीसिपिटेशन अभिक्रिया डैश उत्पादित करती है, तो यह अभिक्रिया जो उत्पादित करती है ध्यान रखिएगा अघुलनशील लवण को उत्पादित करती है, ऑप्शन नंबर बी आपके 74 का सही जवाब दिया गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए 75 नंबर प्रश्न है, न्यूलैंडस के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण है। देखिए अगर बात किया जाए, ये सारे प्रश्न आपके 9th और 10th के सिलेबस पे ही आधारित है, इस बात को ध्यान रखिएगा, और 9th और 10th से ही यह प्रश्न लिया गया है, और लिथियम हो जाएगा आपके 75 का सही जवाब जो ऑप्शन डी में दिया गया, ठीक है। आगे देखिए 76 नंबर प्रश्न है, परम शून्य ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है, तो अर्धचालकों में अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा अनंत हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 77 नंबर प्रश्न है, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण आपसे पूछा गया है, तो सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण जो हो जाएगा ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को, यानी कि उच्च तापमान, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जल की बूंदे से डैश होकर के इंद्रधनुष बनता है, तो जल की बूंद पर जब प्रकाश की यानी कि श्वेत किरण पड़ती है, श्वेत प्रकाश पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी को, यानी कि प्रकाश का प्रतिबिंब एवं अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी आपके 78 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 79 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु की इधर उधर या आगे पीछे गति को क्या कहते हैं। 9th का यह फिजिक्स का प्रश्न है, गति जब आप चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा इधर उधर गति को जो कहा जाता है, यानी कि 79 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, कंपन, क्या कहा जाएगा, कंपन, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 80 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यानी कि कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो नवीकरणीय ऊर्जा हो जाएगा सौर, पवन, जल विद्युत, ठीक है। याद रखिएगा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपके 80 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 81 नंबर प्रश्न है, नकारात्मक तोड़ा निम्न में से किसकी दिशा में विपरीत होता है, किसकी दिशा के विपरीत होता है, तो वेग के दिशा के विपरीत होता है, और त्वरण का एसआई मात्रक ध्यान रखिएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वेग का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है, स्क्वायर नहीं होगा वेग के लिए, क्लियर। चलिए आगे देखिए 82 नंबर प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो नवलेखन पुरस्कार, ऑप्शन सी आपके 82 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो कमलजीत संधु का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 84 नंबर, निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है, गलत कौन है। देखिए अगर बात किया जाए यहाँ पर उस बोल्ट का, तो यह जो है मुक्केबाजी नहीं है, यह एक धावक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैरी कॉम का संबंध मुक्केबाजी से होगा, न कि बैडमिंटन से, ठीक है, मुक्केबाजी यानी कि बॉक्सिंग से हो जाएगा। तो 3 और 4 दोनों गलत दिया गया है, बाकी नोवाक जोकोविच का संबंध हो जाएगा लॉर्ड यानी कि लॉन टेनिस से, और सेब्रेस्टियन का संबंध यानी कि सेब्रेस्टियन बेटल का संबंध कार रेसिंग से हो जाएगा, यानी कि 1, 2 सही है, 3 और 4 गलत है, गलत आपसे पूछा गया है, ऑप्शन सी होगा आपके 84 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। अगला प्रश्न है 85 नंबर, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है। देखिए एक तरफ तिथि एक तरफ दिवस दिया गया, 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही है,
10 दिसंबर को शिक्षक दिवस नहीं, 5 सितंबर को मनाया जाता है टीचर डे। यही ऑप्शन बी गलत है। बाकी 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस और 7 दिसंबर को झंडा दिवस यानी कि सशस्त्र बल। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपके 85 नंबर प्रश्न का बिल्कुल गलत जवाब है। 86 नंबर प्रश्न है आपका। देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है आपसे कि भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग 86 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी को, लद्दाख को कहा जाता है। ठीक है, चलिए 87 नंबर प्रश्न है, ट्विटर किसने स्थापित किया था। तो ट्विटर को जो स्थापित किया था आप लोग याद रखिएगा, यानी कि इवान विलियम्स ने किया था। ऑप्शन डी में आपके 87 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। 88 नंबर प्रश्न है, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है। सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो 88 का सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, 89 नंबर प्रश्न है, वर्तमान बिहार के क्षेत्रफल के लिए बिहार का नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है। सर्वप्रथम जो यानी कि रचना पूछा गया है, तो याद रखिएगा तबकाते नासरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को, क्लियर। चलिए आगे देखिए, संस्थाल विद्रोह के नेता आपसे पूछा गया है, तो सिद्धू और कानू आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपके 90 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 91 नंबर प्रश्न है, वह अर्थशास्त्र जिसमें क्षेत्रीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की निर्भरता तथा अन्योन्याश्रितता समझने का प्रयास किया जाता है क्या कहलाता है। देखिए 91 का सही जवाब ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा, समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, 92 नंबर प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, तो कृषि खनन और वानिकी तीनों संबंधित है। ऑप्शन डी आपके उपयुक्त सभी आपके 92 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न, तो UNDP जारी करता है। ऑप्शन नंबर ए आपके 93 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 94 नंबर प्रश्न है, भारत में आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का उल्लेख किस अनुसूची में है। अनुसूची आपसे पूछा गया है, याद रखिएगा ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची। ठीक है, 95 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग आपसे पूछा गया है, कौन सा उद्योग हो जाएगा। तो ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा, हथकरघा उद्योग, ऑप्शन नंबर सी आपके 95 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 96 नंबर प्रश्न है, केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश का संबंध किससे है। तो इसका जो सिफारिश है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग 96 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर आप लोग याद रखिएगा यानी कि बी को, क्लियर, कौरव से हो जाएगा, क्लियर। 97 नंबर प्रश्न है, इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया। तो इंडिया विजन 2020 को याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए को आप सभी लोग, यानी कि SP गुप्ता समिति ने तैयार किया था। 98 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग अस्तित्व में आया था, तो नीति आयोग कब अस्तित्व में आया था, तो योजना आयोग के स्थान पर आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, याद रखिएगा 2015 में, और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, आगे देखिए 99 नंबर प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू किया गया था। तो 1900 ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि प्रथम पूछा गया है, शुरू कब किया गया था, तो प्रथम जो शुरू किया गया था 1951 में शुरू किया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर में। ठीक है, 100 नंबर प्रश्न है, निष्पादन बजट की अवधारणा ली गई है, तो इस बजट की अवधारणा किस देश से लिया गया है, तो याद रखिएगा अमेरिका से लिया गया। ठीक है, अमेरिका ऑप्शन नंबर ए। आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोगों का 100 प्रश्न जो सिलेक्टेड है आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए कंप्लीट कर लिए हम लोगों ने। और याद रखिएगा आप सभी अपना अपना मार्क्स जरूर बताइएगा, और मैं आपको बता दूं कि इसमें आपके इंग्लिश हिंदी मैथ रीजनिंग के प्रश्न नहीं डाले गए हैं, केवल GK और GS के प्रश्न हैं, सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो आपके इतिहास, भूगोल, ठीक है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, करेंट अफेयर के सिलेक्टेड प्रश्न आपके डाले गए हैं। ठीक है, तो चलिए आपको यह सेशन कैसा लगा जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चाहते हैं डेली प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना, इस बार बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना, तो यह पेड बैच का टेस्ट है, आप सभी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, ताकि आपको फ्री टेस्ट आपको इस चैनल पर मिल सके। ठीक है, चलिए तो इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।